नमस्कार, आर के दांगी चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश सीपीसीटी एग्ज़ाम जो आने वाला है अगले एक दो महीने बाद या आगामी जो भी सीपीसीटी एग्ज़ाम होंगे मध्य प्रदेश में, उसको लेके आपकी क्या तैयारी है। और आप अगर तैयारी कर रहे हैं, आपका अगर नहीं निकला है तो ये वीडियो पूरा देखें, और अगर आपने पास कर लिया है तो हम आपको बताएंगे कि आपका वैलिड कहाँ कहाँ पर रहेगा, कौन कौन सी पोस्ट में ये मांगा जाता है, वो पूरा हम इसमें बताएंगे। सबसे पहले जो मार्च का एग्ज़ाम हुआ था उसको रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट जारी कर दिया गया है, साथ ही साथ आंसर शीट भी अवेलेबल है। 12 अप्रैल तक आप देख सकते हैं अपने लॉगिन पर, और ये आपका स्कोर कार्ड भी अवेलेबल कर दिया गया है सीपीसीटी की और ऑफिशियल वेबसाइट पर, ये भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अभी मैं आपको बता दूं कि आने वाला जो एग्ज़ाम है अगले दो महीने बाद या आपका लगभग मई या जून में ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा फिर से मैप आईटी सीपीसीटी का एग्ज़ाम। और जिन लोगों का सीपीसीटी एग्ज़ाम नहीं निकला है वो विशेष ध्यान दें कि ये जो परीक्षा है, इस परीक्षा का यूज़ क्या है, ये आपका जो टेस्ट है सीपीसीटी, इसको पास करना क्यों ज़रूरी है। अगर आपने कोई भी कंप्यूटर का डिप्लोमा किया हुआ है, कोपा किए हुए हैं, डीसीए, पीजीडीसीए आपने, या कोई बीसीए, बीएससी, या आपने इवन आपने पॉलीटेक्निक भी किया हुआ है कंप्यूटर से और बीटेक भी किया है कंप्यूटर से, और आप चाहते हैं कि ग्रुप फोर का फॉर्म भरें, पटवारी का फॉर्म भरें, और आप असिस्टेंट ग्रेड तीन, सहायक ग्रेड तीन का फॉर्म भरें, या कंप्यूटर ऑपरेटर का फॉर्म भरें, तो सभी जगह पर सीपीसीटी का स्कोर कार्ड होना ज़रूरी है। सीपीसीटी का स्कोर कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। और साथ ही साथ दोस्तों, ये आने वाले एक दो महीने आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी ये जो साल है इसमें बहुत ज़्यादा वैकेंसी आने वाली हैं, भर्तियां होने वाली हैं। इन एग्ज़ाम में फिर आपसे सीपीसीटी मांगा जाएगा, आप पे होगा नहीं तो फिर आपको थोड़ी निराशा होगी। तो आप सीपीसीटी की तैयारी में लग जाइए अभी से। और आपको मैं बताऊँगा कि कुछ जो टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल हैं तो वो टेस्ट सीरीज को भी मैं एक बात करूंगा अभी इस वीडियो में। लेकिन चैनल पर अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर दें, जिससे कि हर अपडेट आप तक मिल सके। चलिए, मैंने एक चीज़ तो आपको ये बता दी कि अधिकतर ग्रुप फोर की जो वैकेंसी आने वाली है, आगामी पटवारी वैकेंसी आने वाली है, स्टेनोग्राफर, स्टेनोटाइपिस्ट, कंप्यूटर ऑपरेटर, आईटी ऑपरेटर, या कंप्यूटर से संबंधित कहीं पर कोई भी पोस्ट आएगी, चाहे आपकी बड़ी से बड़ी पोस्ट हो, तो उसमें बहुत सारी पोस्ट में, लगभग 99% पोस्टों में सीपीसीटी का स्कोर कार्ड होना ज़रूरी कर दिया है मध्य प्रदेश सरकार ने। तो अभी आप आलस ना करें, तैयारी में लग जाएं। अगर आपने सीपीसीटी इस बार नहीं निकाल पाया है, जिनने निकाल दिया है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत बधाई है उनके लिए। और आपका एक बार आप क्लियर कर लेंगे तो 7 साल के लिए आपके पास ये इसकी वैलिडिटी रहती है, तो फिर आप फ्री हो जाएंगे 7 साल के लिए, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं, इस पैटर्न पे आप अपनी पढ़ाई रखिए जा रही, इस तरह से आप तैयारी करिए। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे पुराने पेपर भी पड़े हुए हैं। जहाँ तक हमने अभी तक देखा है कि बच्चे हिंदी टाइपिंग भी निकाल लेते हैं, इंग्लिश टाइपिंग निकाल लेते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कंप्यूटर वाला जो पोर्शन है, 75 मार्क्स का पोर्शन है, और उसमें 50% पासिंग मार्क्स रहती हैं निकालने के लिए, तो वो नहीं निकल पाता है, उसमें दिक्कत आती है, क्योंकि कंप्यूटर का लेवल हर एग्ज़ाम दर एग्ज़ाम टफ होता जा रहा है और आपको प्रॉब्लम आती जा रही है। हमारे आईटीआई के भी स्टेनो और कोपा के बच्चे हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर ट्रेड वाले, इन सबको भी सीपीसीटी दे देना चाहिए। जिनने पास नहीं किया है अभी तक, कोपा या कंप्यूटर डिप्लोमा नहीं है, वो भी अभी से तैयारी कर लें। अब अभी आप पास कर लेंगे, बाद में डिप्लोमा भी आप ले लेंगे तो भी वैलिडिटी आपकी रहेगी, आगे पीछे का कोई भी इसमें कंसेप्ट नहीं रहता है, ये भी मैंने बता दिया। और अभी आप देंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में ये पास करना इतना आसान नहीं होता है जितना हम सोचते हैं। चलिए मैं आपको सबसे पहले एक आपको बता देता हूँ कि जो परीक्षा ऐप है, एमपी की परीक्षा ऐप है, ये आपको अवेलेबल कराती है टेस्ट सीरीज। किस पे? सीपीसीटी के लिए इन्होंने टेस्ट सीरीज लाए हैं, और इस टेस्ट सीरीज को अगर आप इनका परचेज करते हैं, तो जब आप पेमेंट ऑप्शन पर जाते हैं इनकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए, परचेज करने के लिए, तो वहाँ पर आप पेमेंट ऑप्शन में क्या करना है, आपको कोड यूज़ करना है आर के दांगी 50, मतलब आप, मैंने डिस्क्रिप्शन में भी इसका मैं कोड दे दूंगा, और इसकी एप्लीकेशन की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लें और ये कोड यूज़ करें, जिससे कि आपको लाइव यहाँ पर टेस्ट देखने को मिलेंगे। आप अपनी
कैपेबिलिटी, आपकी नॉलेज आप जरूर चेक करें। और ये टेस्ट सीरीज आपको वैसे मिलती है 349 रुपीज़ में, मतलब 349 रुपये की टेस्ट सीरीज। अगर आप कोड यूज़ करेंगे आर के दांगी तो 175, मतलब 175 रुपये में ये टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। तो आधे पैसों में आपको ये टेस्ट सीरीज परचेज कर लेंगे अगर आप ये कोड यूज़ करेंगे तो। ये अपॉर्चुनिटी भी है आपके लिए, आप जरूर, क्योंकि आपकी अच्छी तैयारी है तो भी आप ये टेस्ट सीरीज को जरूर लगा लें, जिससे आपको हकीकत पता चलेगी कि आपकी तैयारी जो आप सोच रहे हैं वो है, वो काम आएगी कि नहीं आएगी। देखिएगा, जैसे देखिएगा मोबाइल स्क्रीन पर भी देखिएगा, असिस्टेंट, ग्रेटरी, स्टेनोटाइपिस्ट और भी बहुत सारे पद हैं, पटवारी, ये सभी में लगेगा। पटवारी की वैकेंसी आने वाली है, उसमें सीपीसीटी मांगा जाएगा। तो फिर आप जब एकदम से आप सीपीसीटी नहीं, सर्टिफिकेट आपके पास आ पाएगा, तो आप अभी से तैयारी में लग जाइए दोस्तों। जब इसे रिक्वेस्ट है कि अभी आप ये टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर लें और साथ ही साथ आप तैयारी में लग जाएं। कंप्यूटर पार्ट काफ़ी टफ पड़ता है और आप कमेंट्स करके बताएं। इसके अलावा आपको और दूसरी कोई सीपीसीटी से संबंधित कोई भी आपका डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आप ज़रूर पूछें कमेंट्स में हमसे। और साथ ही साथ आर के दांगी टेलीग्राम चैनल भी आप टेलीग्राम पर सर्च करके, और लिंक भी मैंने दी हुई है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लें, जिससे हम अपडेट पीडीएफ वगैरह और कुछ भी इन्फॉर्मेशन है तो हम वहाँ पर भी आप को देते रहते हैं समय समय पर। आज की वीडियो में इतना ही, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।